हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस 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 तक। आज मैं आपके साथ वॉल पुट्टी प्लांटर शेयर करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आज के मेरी ये ब्यूटीफुल प्लांटर आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे मैं एक वेस्ट चप्पल ली हूँ, ये थोड़ा सा क्रैक आ गया था तो इसको फेंकने का भी मन नहीं कर रहा था। इसका शेप बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए मैं इसको यहाँ पे प्लांटर बना रही हूँ। तो आप प्लांटर की जगह और भी कुछ ऑर्गेनाइजर आप बना सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं वॉल पुट्टी डो ली हूँ, क्योंकि वॉल पुट्टी डो बहुत कम पैसे में हमारा बहुत सारी चीज़ बन जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे वॉल पुट्टी डो ली हूँ। आप चाहे तो क्ले भी ले सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च होगा, लेकिन आप वॉल पुट्टी डो लेगे तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ वॉल पुट्टी डो लेने से ये थोड़ा सा हमारा बिल्कुल सिरामिक वाला लुक आ जाएगा। तो यहाँ पे देख ही सकते हो मैं सारे ही चप्पर पे मैं ये अप्लाई कर दी हूँ। अब ये अप्लाई करने से पहले ना आप पहले थोड़ा सा वॉल पुट्टी का पेस्ट ये चप्पर में अप्लाई करने या प्लास्टिक या जो भी आप ले रहे हो उस पर थोड़ा सा अप्लाई कर दोगे तो वॉल पुट्टी उसके साथ अच्छे से चिपक जाएगा। यार देख सकते हो तो मैं बहुत अच्छी तरह से यहाँ के अप्लाई कर दी हूँ। यहाँ थोड़ा थिक पेस्ट ली हूँ, जो भी पैटर्न में हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं थोड़ा सा थिक पेस्ट चाहिए यहाँ पर। तो इसके बाद यहाँ पर मैं एक पैटर्न ड्रॉ करने जा रही हूँ। तो मेरे पास कोई भी टूल वगैरह नहीं था तो इसलिए मैं यहाँ पे जुगाड़ लगाई हूँ। ये पेन की जो पीछे वाला ढक्कन होता है ना, उसी की मदद से मैं यहाँ पे एक पैटर्न बना रही हूँ। देख ही सकते हो ये जुगाड़ से भी बहुत सुंदर सा ये बन गया हमारा ये पैटर्न। चारों तरफ से पैटर्न बनने के बाद हम इसको रख देंगे, उसके बाद इसका स्टैंड बनाएंगे। यहाँ पे मैं वही वॉल पुट्टी डो से ही तीन सिलेंडर शेप का एक स्टैंड बनाई हूँ, इसको हम फेविकॉल मदद से अभी चिपका देंगे। बहुत ही इजी और झटपट बनने वाला बहुत ये ब्यूटीफुल सा ये प्लांटर आइडिया है आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आज की मेरी ये तीनों प्लांटर आपको अच्छा लगेगा। देख सकते हो मैं इसको जब चिपकाने के बाद इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दी थी, ये पूरी बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। इसके बाद हम इस पर कलर अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे पिंक कलर का शेड ली हूँ, आप चाहे तो और भी कुछ कलर ले सकते हो, आपको जो भी कलर पसंद है आप ले सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा लाइटर शेड मुझे पसंद था, लेना था, लेकिन यहाँ थोड़ा डार्क वाला पिंक शेड हो गया। कोई नहीं, मैं यहाँ पर ये एडजस्ट कर रही हूँ, आप चाहे तो और भी कुछ कलर ले सकते हो। लेकिन इसको जैसे जब भी जो कोई भी कलर अप्लाई करेंगे ना तो थोड़ा सा हल्के ब्रश से ही मतलब अप्लाई करेंगे, जैसे कि उसका जो इनर वाला जो पैटर्न है वो थोड़ा उभर के आए, तो क्यों थोड़ा 3D वाला लुक आए, तो उसका थोड़ा सा व्हाइट कलर और पिंक कलर मिक्स हो गया है, तो इसलिए आप थोड़ा सा हल्के ब्रश से चलाएं। देख ही सकते हो इसका कैसे कलर आया है। अब बन गया हमारा ये ब्यूटीफुल प्लांटर। आप चाहे तो आर्टिफिशियल या कुछ भी रियल प्लांट भी लगा सकते हो। अब चलिए चलते हैं दूसरे वाले प्लांटर पे। यहाँ पे मैं भी वही प्लास्टिक का एक कंटेनर ही ली हूँ, ये भी बहुत गंदा हो गया था, तो इसको ही मैं यहाँ पे प्लांटर की शेप दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं वही अप्लाई कर रही हूँ, वही वॉल पुट्टी डो, बस सेम पैटर्न जैसे पहले बनाए थे ना वैसे टाइप का ही बनाएंगे। तो यहाँ अच्छी तरह से मैं यहाँ के अप्लाई कर दी हूँ, और ये इसके बाद यहाँ पे पानी की मदद से अच्छे से उसको प्लेन कर दी हूँ। उसके बाद इसका भी स्टैंड बनाएंगे, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट स्टैंड बनाएंगे। तीनों की तीनों प्लांटर मैंने एक साथ ही बनाई थी और एक अलग अलग करके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर इसको हम अच्छे से जस्ट स्टैंड करने के बाद इसको ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरह से ये ड्राई हो गया है। उसके बाद मैं पेपर की मदद से यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ की हूँ। अब पेपर में कोई भी ऐसे पैटर्न आप काट के इसका ड्रॉ बना सकते हो, लेकिन अगर आपके हाथ में अच्छे से ड्रॉइंग हो रहा तो भी आप फ्री हैंड आप ड्रॉइंग बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे पेपर की मदद से ही ऐसे सारे पैटर्न बना दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे कलर अप्लाई करेंगे। कलर चॉइस बिल्कुल आपके ऊपर है, आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हो।
आजकल ये वाला कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ट्रेंड पे है और बहुत अच्छा भी लग रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वही वाला पैटर्न सॉरी वही वाला कलर ली हूँ। बस उसका बॉर्डर अच्छे से बनाने के बाद अंदर इनर का जो भी कलर है आप वो अच्छे से अप्लाई करना है। ऐसे ही हम चारों तरफ से अच्छे से अप्लाई कर देंगे। देखिए दोनों सारे अपर वाला पार्ट अच्छे से अप्लाई होने के बाद हम जो नीचे लोअर वाला होता है ना छोटा सा वो पैटर्न, वही उसी को हम यहाँ पे कलरिंग करेंगे। आप ये भी डिफरेंट कलर भी ले सकते हो, मैं यहाँ वही ब्लू कलर ही यहाँ पे ली हूँ। देख सकते हो आप सारे ही में अच्छे से इसको कलरिंग सारे ही कलर कर दिए, और अपर में हम यहाँ पे येलो कलर कर देंगे। ये आप देख सकते हो मैं यहाँ पे लाइन खींची हूँ, आप चाहो तो सेलो टेप की मदद से भी आप ये वाला लाइन खींच सकते हो, अगर फ्री हैंड आप कर सकते हो वो भी आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे फ्री हैंड ही ये लाइन खींच दी हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको और एक बात बताना भूल गई कि जब भी ये ड्राई होगा ना उसके बाद मैं यहाँ पे सैंड पेपर से थोड़ा सा इसको प्लेन की थी थोड़ा सा, तो आप भी थोड़ा सा सैंड पेपर में इसको प्लेन करना, ना भी करो तो भी चलेगा लेकिन करने से और थोड़ा सा अच्छा फिनिशिंग आएगा। और यहाँ पे चाहो तो व्हाइट कलर भी अप्लाई कर सकते हो, उसका जो पहले वाइट कलर अप्लाई करके उसके बाद जो भी आप कलर कॉम्बिनेशन रखोगे वो भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे व्हाइट कलर भी अप्लाई नहीं की हूँ क्योंकि वॉल पुट्टी वैसे भी व्हाइट दिख रहा था इसलिए मैं नहीं की हूँ, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो, करने में और भी अच्छा लगेगा और उसका जो कलर है वो और भी थोड़ा उभर के आएगा। अब इसमें भी आप आर्टिफिशियल या रियल प्लांट कोई भी आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो या ऐसे प्लांटर की तरह भी यूज कर सकते हो। ये मेरा सबसे फेवरेट वाला प्लांटर है, आपको भी कैसा लगा ये वाला मेरी आइडिया आप ज़रूर बताना। और यहाँ पे साइड में थोड़ा सा गोल्डन कलर का मैं बॉर्डरिंग की हूँ तो आप भी थोड़ा सा कर लेना। अभी चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं लास्ट एंड फाइनल वाला ये प्लांटर आइडिया। तो ये मैं एक पहले से ही इसको कंटेनर में प्लांट लगा के रखी हूँ और थोड़ा सा ये गंदा भी हो गया था और मेरी वॉल पुट्टी का डो भी थोड़ा बच गया था, तो इसलिए मैं जितना वॉल पुट्टी का डो बचा उसी में ही मैं यहाँ पर ये प्लांटर बना रही हूँ। तो ये देख सकते हो मैं इसका आईज नोज और माउथ में पहले से फेविकॉल के मदद से बना दी, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे सारी चीज़ बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सा बनाई हूँ, बस सिंपल सा आईज नोज और माउथ बनाई हूँ और थोड़ा बच गया था इसलिए मैं उसका मूछें भी बना दी और इसका ऑरेंज कलर भी अप्लाई किया क्योंकि पहले सोची थी कलर अप्लाई नहीं करूँगी लेकिन इतना अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं यहाँ पर कलर अप्लाई कर दी हूँ। ये पहले से आपको इसलिए बता रही हूँ फ्रेंड क्योंकि मेरा थोड़ा सा वीडियो मिसप्लेस हो गया है, तो इसीलिए मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ। आप फाइनल लुक एंजॉय करिए फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और रिक्रिएट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर बाय फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में, बाय, टेक केयर।